हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपके एक बार मेरे चैनल के इस न्यू वीडियो में। तो गाइस यार, ये वाली वीडियो ना बहुत ही ज्यादा एपिक और मजेदार होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक जान जाओगे तो आप ही जान जाओगे आपने जैसे थंबनेल में देखा था उस तरह की एडिटिंग करना मतलब कि किस तरह से आसान है। तो पहले हम इंट्रो कर लेते हैं अपना। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, आज की इस वाली वीडियो में हम आपको कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला है मैं आपके फोटो में। अगर आप इस वीडियो को एंड तक फुल वॉच कर लेते हो तो आप भी जान जाओगे कि इस तरह की एडिट करना कितना आसान है। मैं पहले ही आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक फुल वॉच करना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इस तरह की एडिट करने में कितना कम टाइम लगता है और कितनी जल्दी से हो जाती है। वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, वरना भाई मुझे मत कहना कमेंट में कि भाई एडिट ठीक नहीं है। तो वीडियो को एंड तक फुल वॉच करना, ये गारंटी मेरी है कि आपका फोटो बिल्कुल भी इसी तरह से एडिट हो जाएगा। तो वीडियो से आगे वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यार, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार प्लीज़ नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको जल्दी से जगह दबा दो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ओके, तो गाइस जब मैंने फिलहाल आप देख ही पा रहे होंगे कि एक स्नैपसीड प्ले स्टोर पर ऐप आता है, तो वो मैंने ओपन कर दिया है जिसमें से हम एडिट करने वाले हैं। तो उसको ओपन करने के बाद बीच में आपको एक प्लस की आइकन देखने को मिलती है, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ से गैलरी ओपन हो जाएगी आपकी, वो फोटो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है जिसको भी आप एडिट करना चाह रहे हो। तो मैं ये वाला अभी फिलहाल आप देख सकते हो कि मैंने ये वाला अपने एडिट करने के लिए सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाने वाले हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए यहाँ से आपको कॉर्नर पर पेंसिल दिख रही होगी, इसमें आपको क्लिक कर देना है। देन गाइस यहाँ से आपको ट्यून इमेज के बाद आपको इस तरह से थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ानी है, थोड़ी सी कॉन्स्टेंट सैचुरेशन भी आपको थोड़ी सी बढ़ानी है, एम्बिएंस थोड़ी बढ़ाकर यहाँ से राइट में क्लिक कर देना है। राइट में क्लिक करने के बाद भी फिलहाल आप देख सकते हो कि हमारा फोटो पर थोड़ी बहुत लाइट आ गई है। तो अगले स्टेप में हम करने के वाले हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो हम बिल्कुल ब्लैक करने वाले हैं। तो उसको करने के लिए यहाँ से आपको पेंसिल के आइकन के बाद आपको इस तरह से नीचे आ जाओगे, तो यहाँ से आपको ब्लैक एंड व्हाइट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो वहाँ उसमें आपको क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद इसको डार्क वाला मतलब कि इफेक्ट आपको सिलेक्ट कर देना है। देन गाइस आपको इस तरह से कुछ आपको अपने फोटो को डार्क कर देना है कुछ इस टाइप से। तो इतना करने के बाद यहाँ से आपको राइट में क्लिक कर देना है। राइट में क्लिक करने के बाद अभी फिलहाल आपको कहना है कि इसकी जो बॉडी है वो आपको मतलब कि रिमूव कर देनी है कुछ इस टाइप से कर देनी है, ताकि बॉडी मतलब कि आपकी नज़र आए और बैकग्राउंड जो है ब्लैक हो रहा हो मतलब कि वही हो जाए। तो आपको उसको करने के लिए यहाँ से आपको ऊपर क्रॉस चीज़ ऑप्शन देखने को मिलता है, उसमें क्लिक कर फिर से व्यू एडिट्स के बाद आप ब्लैक एंड वाइट फिर यहाँ से ब्रश उठा लेनी है। ब्रश उठाने के बाद आपको यहाँ से एक इन्वर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद साइज का आपको ध्यान रखना है कि साइज आपकी जीरो होनी चाहिए। नीचे जो एरोज हैं इसकी मदद से आप बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो, तो उसका कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आपको करना है कि इसकी जो आपको शार्ट दिख रही है ये वाली, और आपको मतलब कि इसका जो फुल बॉडी है वो आपको मतलब के कुछ इस तरह मतलब के इस तरह रेजर से रिमूव कर देनी है। जी हाँ गाइस, हेयर इसके नहीं करने और इसकी आगे पेंट भी नहीं करनी है आपको। तो इस तरह से आपको मतलब के कर देना है। मैं जल्दी से कर लेता हूँ, तो आप भी मतलब कि आराम से कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मैं जल्दी से अपना कर लेता हूँ। तो कोई तुमने फिलहाल आप देख ही पा रहे होंगे कि मैंने इसका मतलब कि ये वाला बैकग्राउंड मूव कर दिया और हेयर्स पर भी मतलब कि ड्रॉ नहीं करा। तो यहाँ से आपको राइट में क्लिक कर देना है। राइट में क्लिक करने के बाद ऊपर आपको तीर का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर बैक आ जाना है। और अभी आप देख सकते हो कि हमारे फोटो की क्या ही तगड़ी सी लुक आ चुकी है। तो अगले स्टेप हम करने के वाले हैं कि इसकी शर्ट का कलर जो है ग्रीन करने वाले हैं। तो उसको करने के लिए यहाँ से आपको पेंसिल के आइकन के बाद यहाँ से आपको कर्व्स का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक कर यहाँ से आपको केनल वाला एक ऑप्शन देखने को मिलता है, उसमें क्लिक कर देना है। देन गाइस यहाँ से आपको सबसे पहले रेड वाला कलर को सिलेक्ट कर उसको आपको फुल्ली डिक्रीज कर देना है कुछ इस टाइप से। फिर से आपको कलर्स में सिलेक्ट कर देना है और ग्रीन आपको सिलेक्ट कर इसको उस तरह से मतलब कि ऊपर कर देना है और यहाँ से राइट में क्लिक कर देना है। अभी फिलहाल आप देख सकते हो कि हमारे शर्ट का कलर मतलब कि ग्रीन हो चुका है। तो इसको सिर्फ शर्ट पर ही रहने देना है उसको रहने देने के लिए मतलब कि इसको शर्ट पर ही सिर्फ करना है, मतलब कि और कहीं से भी नहीं होना चाहिए। तो इसको करने के लिए यहाँ से आपको क्रॉस तीर व्यू डिट्स के बाद क्रॉस और ब्रश उठा लेनी है। ब्रश उठाने के बाद साइज आपको यहाँ से अभी 100 होनी चाहिए। 100 होने के बाद मतलब कि साइज करने के बाद आपको कुछ इस तरह से अपनी शर्ट पर ड्रॉ कर देना है, ताकि हमारे शर्ट का जो कलर है वो चेंज हो जाए, जैसे ग्रीन डल जाए इस पर। तो इसका इतनी ये मतलब के कहना बहुत ही ज़्यादा सिंपल से। इसमें दो ट्रिक्स है, वो मैं दूसरी आपको बता दूंगा जब आप वीडियो को लाइक करोगे। वीडियो को लाइक का गोल बहुत ही ज़्यादा कम है, 500 लाइक का गोल है। अगर आप इसको मतलब कि गोल कम्प्लीट कर दे तो
हो तो वो भी आपको मतलब कि दूसरी ट्रिक भी आपको मैं बता दूंगा कि किस तरह से आप कर सकते हो अपना। तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दो और मेरी अगली वीडियो का नहीं बल्कि अगले मतलब के स्टेप्स का वेट करो जो मेरे क्या ही शानदार से आने वाले हैं। तो जल्दी से जाकर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसको मैं तब तक ले कर देता हूँ, तब तक लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, फ्री है यार, एक सब्सक्राइब तो कर दो। इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए ताकि आप एडिट्स सीख पाओ और अपने फ़ोटो में एडिट्स कर लो। ओके तो गाइस इसके साथ मैंने इसकी शर्ट का भी कलर चेंज कर देना है। तो इसको आपको करना क्या है, यहाँ से आपको राइट में क्लिक कर देना है, देन गाइस के ऊपर तीर में क्लिक कर बैक आ जाना है। तो अगले स्टेप में हम इस फोटो को रीटच करने वाले हैं। तो उसको करने के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक है। तो उसको करने के लिए यहाँ से आपको पेंसिल के आइकन के बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट का ऑप्शन मिलता है, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको जहाँ जहाँ से आपके फेस की डार्कनेस है वो आपको इस तरह से मतलब कि क्लिक कर फिर आपको इस तरह से साइज़ कम कर देनी है ताकि रेड जो है वो वहीं पर आपको रह पाए जहाँ पर अपने फोटो को आप रीटच करना चाहते हो। इससे इतने करने के बाद आपको इस तरह से फुल ब्राइटनेस बढ़ा देनी है और इसकी सैचुरेशन आपको इस तरह से कुछ कम कर देनी है। तो इसी तरह आप मतलब कि अपने फोटो पर कभी भी रीटच कर सकते हो। तो इस को मैं तब तक लिए अपना ये कर लेता हूँ रीटच इसको। ओके तो गाइस अभी फिलहाल आप देख ही सकते हो कि इसी के साथ मैंने अपना फोटो भी रीटच कर दिया और यहाँ से आपको राइट में क्लिक कर देना है। राइट में क्लिक करने के बाद अभी फिलहाल आप फोटो की लुक देख सकते हो कि क्या क्या फोटो से हमने क्या कर दिया है। तो गाइस आज की इस बार वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो आपको भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से जाकर लाइक कर दो। इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ ओनली 500 यानी कि 500 लाइक की। जल्दी से जाकर गोल कंप्लीट कर दो और अगर चैनल पे नहीं हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना करना बिल्कुल भी मत भूला। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।